वेलकम बैक टू माई चैनल फातिमा क्विक रिव्यू इज माई अनदर वीडियो। तो आज मैं आपको स्कूल बैग ऑटोमेटिक मशीन में जो है किस तरीके से आप वॉश कर सकते हैं वो बताऊंगी। इसकी एक खास ट्रिक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ मेरे पास ये स्कूल बैग है, सही है। इन स्कूल बैग को जो है वॉश करना है, बहुत धूल मिट्टी लग के ख़राब हो रहे हैं, सही है। अब इसको कैसे करेंगे हम वॉश वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ मेरे पास ये दो बैग हैं, सही है। ये हैवी बैग है, आप चाहें इसमें कोई भी हल्के बैग, बच्चों के छोटे छोटे मतलब छोटे बच्चों के जो बैग्स होते हैं उनको भी आप इसमें वॉश कर सकते हैं, सही है। तो यहाँ जो है ये बड़ी क्लासेस के बैग्स हैं, तो इनको मैं किस तरीके से वॉश करूँगी वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपको एक पिलो कवर चाहिए होगा, सही है। पिलो कवर कोई सा भी, आपको किसी भी तरीके का पिलो कवर यूज़ जो आपका नहीं हो रहा हो, सही है, तो वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। आप इस बैग्स को मेक श्योर कर लें कि सारी ज़िपें बंद हों और इसके अंदर कोई भी चीज़ ना हो, क्योंकि बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं कि पेंसिल रख देते हैं, रबड़ डाल के छोड़ देते हैं, तो वो सब आप इसमें से निकाल लें और सबकी ज़िपें जो हैं अच्छी तरीके से जो है बंद कर लें, सही है। बंद करने के बाद अब मैं क्या करूँगी कि एक पिलो कवर लूँगी, अब उसके अंदर मैं ये डाल दूँगी। एक मैं आपको डालना बता देती हूँ और दूसरा जो है, सही है, अब ये जो है इस तरीके से मैं पिलो कवर के अंदर डाल रही हूँ और ज़िप जो है अच्छी तरीके से बंद कर लीजिएगा। तो यहाँ जो है मेरे पिलो कवर में बटन दिए गए हैं, तो उसको जो मैं यहाँ से बंद कर दूँगी, सही। ये दोनों जो है बटन मैंने बंद कर लिए हैं, तो अब दूसरा भी मैं इसी तरीके से इसको पिलो कवर में डालूँगी। जो है पिलो कवर में बैग्स दोनों डाल दिए हैं, तो अब करना ये है कि आपको ये तो पता होता है कि ऑटोमेटिक मशीन जो है वॉश भी करती है, रिंस भी करती है, स्पिन भी करती है, मींस के वो धोती भी है, आपको खंगाल के भी देगी और बाद में आपको सुखा के भी देगी कपड़े, सही है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसमें सिर्फ वॉश करना, तो वो भी आप वॉश कर सकते हैं। प्रोग्राम में जाके वॉश को सेलेक्ट करें और सिर्फ वॉश कर लें, जैसे नॉर्मल मशीनें धोती हैं। सिर्फ आपको अगर अलग से बैग्स को खंगालना है तो आप वो भी अलग से बैग खंगाल सकते हैं, सिर्फ वॉश भी कर सकते हैं, सही है। तो वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। एक तो एक चीज़ ज़रूर याद रखें कि बैग्स को जो है बिल्कुल ऐसे ही मत डालिएगा, वरना जो है बैग आपकी मशीन जो है ख़राब हो सकती है। और अक्सर लोग ये बोलते हैं कि हमारी मशीन जो है ख़राब हो रही है, रिंस नहीं कर रही, सही से स्पिन नहीं कर रही, तो इसके फंक्शंस जो है बहुत मतलब आराम से यूज़ किया करें, बिल्कुल बटन सही दबाया करें, वरना आपकी मशीन जो है ख़राब हो जाएगी। यहाँ मैंने जो है दोनों बैग्स को सही इस तरीके से डाल दिया है। अब आपको पता है कि मशीन जो है खुद ही ये पानी लेती है, तो हम इसका फंक्शन स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो है मैंने स्टार्ट का बटन दबा दिया है, तो अब जो है ये क्या करेगी, ये कैलकुलेट करेगी कि कितना इसको पानी लेना है, वो ये डिसाइड करेगी। तो इसने डिसाइड कर लिया है यहाँ पे 38 लीटर 46 लीटर के करीब इसको पानी लेना है। देखें यहाँ से जो है आपको दिख रहा होगा ये पानी लेना स्टार्ट कर दिया। अब इस स्टेज पे मैं स्टॉप करके यहाँ मैं सर्व डालना स्टार्ट करूँगी, सही है। आप चाहें तो पहले डाल लें, बाद में डाल लें, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ मैं स्टॉप कर रही हूँ, सही है। अभी इसने पानी लिया है स्टॉप करके, अब मैं यहाँ इस स्टेज पे इस पर सर्व डालूंगी, सही है। सर्व आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक जो है डाल सकते हैं, सही है। यहाँ मैं सर्व डालना स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आप इस स्टेज पे थोड़ा कंफर्ट डालना है या लास्ट स्टेज पे डालना है, मैं जो क्या करती हूँ आखिर जब रिंस हो रहा होता है लास्ट स्टेज पे मैं कंफर्ट डालती हूँ, सही है। तो अगर आपको अभी डालना है तो आप अभी भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने जो है सर्व डाल दिया है, सही है। सर्व डालने के बाद अब मैं फिर से इसको बंद करके अब ये स्टार्ट करूँगी, सही है। अब इसने पानी तो ले कैलकुलेट कर लिया था, अब ये पानी स्टार्ट हो गया, सही। अभी पानी भरता है, लास्ट में मैं एक और चीज़ भी बताऊंगी, वो भी ध्यान से देखिएगा और उसका एंड रिजल्ट भी ज़रूर देखिएगा कि कितने अच्छे बैग धुलेंगे, सही। चले तो ये जब तक पानी भरता है तो अभी मैं आती हूँ। यहाँ पे इसने पानी ले लिया है और पानी लेने के बाद अब ये स्टार्ट करेगी वॉश करना। अच्छा एक और चीज़ बता दूँ कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे कपड़े अगर सही आपके वॉश नहीं होते तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना ये है कि प्रोग्राम में जाके आप उसको फिर से वॉश कर लें, या आप एक काम क्या करें, पहले से वॉश का आप बटन दबा के वॉश करें, वॉश कर लेंगे उसके बाद जो है आप नॉर्मल सेलेक्ट करके नॉर्मल तरीके से जो आप धोते हैं मतलब नॉर्मल तरीके से वॉश होगी, इसमें स्पिन होगी, रिंस होगा, सही। तो पहले जो है वॉश एक मरतबा अच्छी तरह कर लिया करें, तो अच्छी तरीके से आपके जो है कपड़े धुल जाया करेंगे, सही है। तो यहाँ जो है ये बैग धुल रहे हैं, तो अभी उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगी कि किस तरीके से ये रिंस होगा और स्पिन होगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा।
जी, तो इसने जो है वॉश कर दिए। अब नेक्स्ट जो है ये अब रिंस करेगा। रिंस का मतलब ये खंगालेगा, तो इसमें ये 3 दफ़ा पानी लेके जो है खंगालेगा। सही है, खंगालने के बाद जब ये स्पिन करेगा तो लास्ट में एंड मैं रिजल्ट ज़रूर दिखाऊंगी, तो वीडियो को वॉच करते रहें। जी, तो यहाँ जो है स्पिन करना इसने स्टार्ट कर दिया है। इसने रिंस कर दिया था। रिंस करने के बाद अब जो है ये स्पिन कर रही है। स्पिन करके ये सारे जो है बैग हैं इसमें से सारा पानी अच्छी तरीके से निकाल देगी। सही है, तो जब तक ये स्पिन होती है इसका लास्ट स्टेप मैं आपको दिखाऊंगी, वीडियो के साथ आप बने रहें। जी, तो इसने जो है ये स्पिन कर लिया है। यहाँ पे आपको टाइमर दिख रहा होगा, ये 1 पे आ गया। तो जब ये 0 पे आएगा तो यहाँ इस स्टेज पे ये बीप बजेगी। सही है, जैसे ही बीप बजेगी इसका मतलब कि इसने आपके वॉश भी कर दिए, रिंस भी कर दिए, स्पिन भी कर लिए कपड़े, या आप जो भी इसमें धो रहे हैं बैग। सही है, तो अब इसका वेट करते हैं जब तक ये 0 पे आ जाता है और ये अब ये स्टॉप हो रहा है। ये स्टॉप होगा, उसके बाद जो है हम सही है, तो ये 1 पे चल रहा है अभी, तो ये अब यहाँ पे स्टॉप हो चुका है। तो अब ये 0 पे आएगा, ये 0 पे आ गया। और देखें बीप की आवाज़ आ रही होगी, इसका मतलब ये कपड़े आपके धुल चुके हैं। और आपको यहाँ जो है कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी मशीन खुद ऑटोमेटिक ऑफ भी हो जाती है। ऑटोमेटिक मशीन का यही अच्छा वो है कि इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ बटन ऑन करें, कपड़े आपको खुद खंगाल के देगी, रिंस करके देगी, स्पिन करके देगी और ऑफ भी कर देगी। सही है, सिर्फ आपको ऑन करना होता है इसमें और कुछ नहीं करना होता। चलें, तो यहाँ मैं आपको बैग दिखा देती हूँ, इसका एंड रिजल्ट। ये मेरे अच्छी तरीके से स्पिन हो गए हैं बैग, बिल्कुल इसमें कोई पानी नहीं है, इसमें कोई पानी नहीं है। तो यहाँ मैं अपने दोनों बैग्स को निकाल लेती हूँ। सही है, यहाँ मैंने दोनों अपने बैग्स को निकाल लिया है और आपको यहाँ पे एंड रिजल्ट दिखाती हूँ। चलें, तो इसको ऑफ बटन्स को जो है मैंने इसमें जो लगाए थे उसको निकाल लेते हैं। यहाँ जो था मेरा एक ग्रे बैग था, तो इसकी आप कंडीशन देख सकते हैं। इसको आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्की सी जब धूप ये पड़ेगी ये तकरीबन स्पिन हो गया है। इसमें से सारा जो इसका पानी था वो इसमें से निकल गया है। और इसकी कंडीशन देखें कितना साफ़ सुथरा हो गया है। ये थोड़ा सा हल्का हल्का यहाँ गीला हो रहा है, यहाँ तो बिल्कुल ड्राई हो चुका है ये बैग। सही है, और इसके पीछे से भी कंडीशन आप देख सकते हैं कितना अच्छा है, साफ़ सुथरा धुल गया था और इस पर इतनी मिट्टी जम गई थी। सही है, ये तो था मेरा पहला बैग, और अब दूसरा बैग भी मैं दिखा देती हूँ। चलिए, ये आ गया मेरा दूसरा बैग, तो इसकी भी आप कंडीशन देख सकते हैं कितना अच्छा नीट एंड क्लीन हो गया है। इसको मैं पीछे से भी दिखा देती हूँ, देखिए। सही है, ये आपको पीछे से भी अच्छी तरीके से दिख गया है। तो यहाँ मेरे जो हैं दोनों बैग बहुत अच्छी तरीके से धुल गए हैं। और इसी तरीके से मुझे दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, देखा करें, ताकि और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। थैंक यू सो मच।